मेकअप बिगिनर ट्रियल मैं शेयर करने वाली हूँ। बहुत ही बेसिक है, इजीली वे में आप अचीव कर सकते हो। सारे प्रोडक्ट्स आपको लोकल मार्केट में मिल जाएंगे, आपको ज़्यादा टेंशन लेना नहीं है। या तो फिर घर में भी अवेलेबल होगा बट आपको आता नहीं होगा, कर नहीं पाते हो। और इस लॉकडाउन ने बहुत को लड़का हो या लड़की हो सबको तो ये सीख दे दी है, हर समय पार्लर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए। कुछ तो आपको नॉलेज होनी चाहिए अपनी खुद को पैम्पर करने के लिए, खुद को गॉर्जियस लुक देने के लिए, अट्रैक्टिव दिखाने के लिए। तो मैं इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, फटाफट से ज़्यादा बात नहीं करेंगे, लेट्स गो स्टार्टेड। मैं यहाँ फेस वॉश कर चुकी हूँ, इसके बाद मैं रोज़ टोनर यहाँ पे लगा रही हूँ ताकि हमारे स्किन का पीएच लेवल मेंटेन रहे। उसके बाद मैं ऑल टाइम फेवरेट अपना निविया क्रीम मॉइस्चराइज़र लगा रही हूँ। ये हमारे स्किन को बहुत ही अच्छे तरीके से मॉइस्चराइज कर देता है ताकि आपके मेकअप पैची ना लगे, और थोड़ा मेरे स्किन का टेक्सचर भी काफ़ी हद तक इम्प्रूव भी किया है। फिर मैं यहाँ पे लैक्मे सीसी क्रीम लगाऊंगी और अपने हाथ पे रख के थोड़ा सा मिला के उसके बाद आप अपने फेस पे अप्लाई करें। इससे आपको ना कुछ अच्छा कवरेज मिल जाता है। आपको यहाँ डैब डैब करके लगाना है कुछ इस तरीके से, आपको स्वैप नहीं करना है। स्वैप करने से होता क्या है, आपकी मेकअप लॉन्ग लास्टिंग नहीं होती है और पैचेस वगैरह रह जाते हैं। और नेक को तो बिल्कुल भी अवॉइड नहीं करना है, नेक को भी लगाना है। उसके बाद मैं वाइट टोन पाउडर लगा रही हूँ, ये भी मेरा ऑल टाइम फेवरेट है, मैं बहुत दिनों से लगाती हूँ। उसके बाद मैं एक ब्रश की हेल्प से इवेनली तरीके से अच्छे तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर लूँगी अपने फेस पे। मुझे कुछ इस तरीके से कवरेज चाहिए तो मुझे मिल गया, बट नेक का नहीं मिला है तो मैं बाद में ठीक कर लूँगी। फिर मैं यहाँ यूज़ करने वाली हूँ लैक्मे सीसी क्रीम अपने लिप पे, ताकि अपने लिप को ब्लर करूँगी, मैं लिपस्टिक का रियल कलर आए तो इसलिए मैं कर रही हूँ। उसके बाद आपको लिप को थोड़ा सा प्लम और मॉइस्चराइज करना है तो मैं यहाँ बोरोलिन यूज़ कर रही हूँ, ये मुझे बहुत पसंद है। उसके बाद मैं अपने ब्राउ बोन्स को फिल कर रही हूँ। आपको यहाँ स्ट्रोक्स देने हैं, आपको लाइन ड्रॉ नहीं करने हैं, वो बहुत गंदे लगते हैं। आपको इस तरीके से नेचुरल लुक मिलता है, थोड़ा सा टाइम टेकन होगा बट आप करने लगोगे ना तो आप बहुत जल्दी इजली वे में आप कर लोगे। उसके बाद मैं यूज़ करूँगी एलेटिंग का लिपस्टिक, जो हमारा ऑल टाइम फेवरेट है, एज ए लिपस्टिक, एज ए ब्लॉस, एज ए आई शैडो मैं यूज़ करती हूँ। तो ये मेरा पर्सनल हैक है, मैं इसी तरीके से अपने मेकअप लुक को क्रिएट करती हूँ। उसके बाद आप अपने फिंगर टिप से बहुत इजली वे में आप कर लोगे, आपको टाइम ज़्यादा नहीं लगेगा। और जो टीनेजर्स हैं, जो बिगिनर्स हैं ना, तो ब्रश पे आपका हाथ का कंट्रोल नहीं हो पाता है, तो फिंगर टिप से आपका बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से आपका हाथ का कंट्रोल होगा और अच्छा खासा आई शैडो क्रिएट कर सकते हो। फिर मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ ब्लू हेवन का जो काजल होता है ना, तो वो मैं अपने कॉर्नर साइड पे लगा रही हूँ, जो हमारे ड्रेस से मैच हो जाए। मुझे कुछ इस तरीके का चाहिए था आई शैडो, बस मेरा यहाँ पे अच्छे से आपको इसको ब्लेंड करना, कोई हार्स लाइन ना दिखे। आप देख रहे हो मैं अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लिपस्टिक लगा रही हूँ, कुछ इस तरीके से आपको लगाना है। आप लिप लाइन ड्रॉ करना चाहते हैं, आई नो आपके पास बहुत कलर का नहीं होगा तो कोई बात नहीं, आप अपने लिपस्टिक का लगा कर उस पर थोड़ा सा रब करके आप अपनी लिप लाइन ड्रॉ कर लें, ताकि अच्छे से आपकी लिप का शेप निकल के आए और आपकी लिप अच्छी लगे। तो बस मेरा ये हो गया। उसके बाद मैं यहाँ ब्लश के तौर पे एज ए यूज़ करूँगी फिंगर टिप से। आपको ज़्यादा अमाउंट नहीं लेना, हल्के हल्के हाथों से आपको थोड़ा थोड़ा लेके आपको लगाना। आप देख रहे हो मेरा ब्लश कितने अच्छे तरीके से लग गया है। फिर मैं एज ए हाईलाइटिंग के तौर पे वैसलीन यूज़ करूँगी, हल्के हल्के हाथों से, ज़्यादा नहीं लेना है आपको। और अपने दोनों चक्स को मैं फिल कर लूँगी। और उसके बाद मुझे नोज़ पे को भी हाईलाइटिंग करना था तो मैं उसे भी कर लूँगी। आप देख रहे हो कुछ इस तरीके से, आप फोरहेड को भी कर लेंगे तो आपका काफ़ी बेस्ट रिजल्ट मिलेगा, आपके मेकअप को ना चार चांद लग जाते हैं हाईलाइटिंग का काम। अगर बजट फ्रेंडली आपको हाईलाइट करना है तो ये काफ़ी अच्छा खासा हैक है।
फिर मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ ब्लू हेवन का आईलाइनर। मुझे ज़्यादा मोटा पसंद नहीं है, मैं यहाँ पे हल्का ही ड्रो कर रही हूँ। अगर इसका ट्यूटोरियल देखना चाहती हो डिफरेंट तरीके का आईलाइनर तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। फिर मैं ब्लू हेवन का जो काजल है उसे मैं लगाऊँगी अपने लोअर लाइन पे, वाटर लाइन पे लगाना है आपको, अंदर काजल बिल्कुल भी नहीं लगाना है, उससे आपकी आँखें ख़राब हो जाएंगी। तो कुछ इस तरीके से आप काजल लगा ले, और इस तरीके से ना काजल अच्छा नहीं लगता है, थोड़ा सा उसे ब्लेंड कर लिया करो। तो मैं ये अपने फिंगर टिप से कर ली, उसके बाद नीचे में ना मैं उसी लिप लाइनर को ना अच्छे तरीके से अपने आँखों के नीचे थोड़ा सा मैं ड्रॉ कर लूँगी, ताकि अच्छे से मर्ज हो जाए और अच्छा खासा हमारी आईज दिखे। मेरा यहाँ मेकअप लुक कंप्लीट हो गया। ये है मेरा फाइनल लुक, आप देख रहे हो मेरा हाइलाइटर कितने अच्छे तरीके से पॉप आउट हो रहा है। मैं कैसी लग रही हूँ कमेंट कीजिए। वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब बटन को प्लीज क्लिक करके उसे क्लिक कर दीजिएगा। और इस तरह की और अमेजिंग वीडियो देखने के लिए, और जिन लोगों को अभी आईब्रो बनाना नहीं आता है, वैक्सिंग नहीं आता है, तो इन सारे वीडियो का मैं ट्यूटोरियल डाल दी हूँ, आप वहाँ में जाकर के चेक कर सकती हो। और मैं आपसे मिलती हूँ बेहतरीन एपिसोड्स के, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच मेरे चैनल को एंटर।